विरासती न्यूज देखने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपको बता दें कल रात से जो है एक खबर जो है वो सुर्खियों में जो है हर एक पोर्टल में हर एक मीडिया में जो है आपको सुनने को और देखने को मिल रही थी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ इस समय अमित कपूर प्रधान जो रह चुके हैं पेरेंट्स एसोसिएशन के और जो हमेशा जो है प्राइवेट स्कूल्स के ऊपर जो है इल्ज़ाम लगाते या फिर उन्हें एक्सपोज करते हुए नजर आते हैं। आपको बता दें कल रात की वार्ता जो है आपके समक्ष और आपके सामने जो है एक एक बात को जो है हमने सुर्खियों में जो है वो रखा है, लेकिन आपको बता दें अब जो है इसकी पूरी पुष्टि जो है करके अभी आपको बता रहे हैं। आपको बता दें अमित कपूर के ऊपर जो है कल सुबह जो है एक एफआईआर जो है वो दर्ज की गई थी और उस एफआईआर में जो है उनके ऊपर एक्सट्रॉशन मनी यानी ब्लैकमेल कर पैसे मांगने का एक मामला जो है वो सामने आया है। आपको बता दें कि एक व्यक्ति जिनका नाम अविनाश बताया जा रहा है, इनका ये कहना है कि वे जीडीए में जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और अमित कपूर जो है उन्हें 29 तारीख को जो है फ़ोन करते हैं, उन्हें 29 तारीख को फ़ोन कर जो है उन्हें ब्लैकमेल करते हैं या फिर धमकी देते हैं और ये कहते हैं कि आपके खिलाफ जो है मेरे पास ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिससे आपकी नौकरी और आपकी पूरी लाइफ जो है वो स्पॉइल हो सकती है। जिस बात की खबर बात सुनते ही जो है अविनाश जी जो है वो घबरा जाते हैं और बार बार जो है उनसे एक ही चीज़ पूछते हैं कि किस तरीके के डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपके पास है जिससे ये चीज़ हो सकती है। तो अमित कपूर का रिप्लाई वहाँ से ये आता है कि आपके खिलाफ ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो है मेरे पास आ चुके हैं जिससे कुछ ही दिनों में जो है मैं मीडिया में जो है एक्सपोज करूँगा और एक्सपोजर के बाद जो है आपका करियर जो है वो पूरी तरह से स्पॉइल हो जाएगा। इसके बाद जो है 30 तारीख को अविनाश जो है अमित कपूर से मांडा में मिलते हैं और 5 लाख की रकम जो है वहाँ से बरामद करते हैं। इसके बाद कल की अगर हम बात करें कल रात को जो है एक ट्रैप जो है अमित कपूर को फंसाने के लिए बनाया जाता है जहां पर रंगे हाथ जो है वह अभिलाष से जो है पैसे पकड़ते हुए नजर आते हैं। अब हम पूरी बात जो है आपको बता दें कि कल रात को भी आपने उसी व्यक्ति के मुंह से जो है ये बात सुनी थी कि अमित कपूर जो अपने आप को एक ईमानदार और एक अच्छा सोशल वर्कर सबके सामने रिप्रेजेंट करते हैं, असल में जो है वो ब्लैकमेलर है और इस बात की पुष्टि जो है उन्होंने खुद इस तरीके से इसलिए की है क्योंकि ऐसे कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो अमित कपूर के पास से जो है वो बरामद जो है वो नहीं हुए हैं। आपको बता दें कुछ ही दिनों पहले जो है लैंड ग्रैबर्स को लेकर अमित कपूर जो है काफ़ी सुर्खियों में रहे हैं और उससे पहले की अगर हम बात करें तो स्कूल्स में कोई भी ऐसी चीज़ हो जाती है, चाहे आप बात फीस को लेकर ले लीजिए या स्कूल की फैसिलिटीज़ को लेकर ले लीजिए, अमित कपूर जो है हमेशा इस पर आवाज़ उठाते हुए नजर आते हैं। लेकिन अगर कल रात की हम बात करें तो साफ स्पष्ट रूप से जो है वो 5 लाख रुपये लेते हुए पकड़े जाते हैं। 5 लाख रुपए लेने के बाद जो है जैसे ही उन्हें पुलिस ने दबोचा है उसके बाद जो है आपने देखा कि किस तरीके से मीडिया एक्सप्लोजन की वजह से जो है उनका पर्दाफाश हुआ है, लेकिन इस बात की अभी तक पुष्टि जो है वो नहीं हो पाई है कि क्या असल में जो है अमित कपूर इस तरीके की हरकतें जो है वो पहले भी करते थे या फिर कल पहली बार है। अभिलाष की अगर हम बात माने तो पूरी उनकी बात यही थी कि अमित कपूर जो है बार बार उन्हें फ़ोन करके ब्लैकमेल कर रहे थे और उनका ये कहना था कि उन्हें चंडीगढ़ में फ्लैट की रजिस्ट्रेशन के लिए पैसे जो हैं वो जल्द से जल्द चाहिए और हाल ही में एक बात और उन्हें कही है कि आने वाले एमएलए की इलेक्शन में जो है वो लड़ना चाहते हैं जिसके लिए चंदी जो है वो इकट्ठा कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये सब सारी बातें जो है कल रात को जो है आपने सुर्खियों में सुनी थी लेकिन अभी तक इस बात की पुष्टि जो है वो कहीं ना कहीं सामने जो है वो निकल कर नहीं आई है। लेकिन अपने व्यूअर्स से मैं ये चीज़ कहना चाहती हूँ कि अगर इस तरीके की कोई भी हरकत जो है होती है तो आपको हमारे चैनल के थ्रू जो है एक एक पल पल की खबर जो है वो मिलती रहेगी, लेकिन अब आपसे मैं ये व्यूज़ आपके जानना चाहती हूँ कि आपको लगता है कि ये पूरी वारदात में कोई भी सच्चाई है और अगर है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो है इसे ज़रूर बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा।